अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं उत्तोड़ा बीच पे। हमारे रूम के बगल में एक कोलवा बीच है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत बहुत बार गए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा दूर आए हैं। और आज संडे था तो कोलवा बीच पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, इसके लिए हम लोग यहाँ शांति से नहाने के लिए आए हैं। ये उत्तोड़ा बीच है गाइस और ये हमारी पलटन। धूप बहुत तेज़ हो रखा है। से हाय प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्मी फिटनेस व्लॉग्स। वी आर हियर इन लुटाटो बीच। यू कैन सी दैट नोबडी इज इन द बीच। ऑल बीच इज वेरी साइलेंट एंड वेरी वेरी क्लीन गाइस। साइलेंट बीच है गाइस और यहां पर बहुत क्लीन बीच है, साफ सफाई बहुत मस्त है, जबरदस्त है। यहां पर गंदगी नहीं है। मीरामार बीच जाओगे आप तो देखोगे, बोलोगे इतना कचरा, यहाँ पे तो एकदम क्लीन ऐसा लग रहा है। यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। नहाने की इरादे से आए थे लेकिन सब भाई लोग नहाने निकल गए हैं और मेरे को मोबाइल लेके चले गए, बोल रहे हैं बाहर आप बैठो हम लोग नहाएंगे। आप लोग सिर्फ व्लॉग शूट करने आओ तो सिर्फ व्लॉग ही शूट करो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अभी आपन भी नहाएंगे इधर बाहर रख के। पैसा ही पैसा हो। बताइए भाई क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा थक गए तो बाहर आके बैठेंगे तो लोग बोलेंगे नहाने आए थे, हेकड़ी निकल गए, इसलिए थोड़ा इधर मस्ती कर रहे हैं। सबको लगेगा कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। मैंने सोचा कि किसी चीज़ का आप रिसर्च करने जा रहे हैं। यार मैं इधर गड्ढा खोद रहा हूँ फिर पानी आ रहा है। हाँ तो भाई बताइए, आज आप बीच पर आए हैं? बहुत ही मज़ा आ गया एक्चुअली। काम बहुत था लेकिन मैं दोपहर से छुट्टी मार लिया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, नहाया नहीं था। वैसे घूमने तो बहुत बार गया था लेकिन नहाने को नहीं मिला बहुत टाइम से, तो इसके लिए मैं नहाने आया हूँ। और रूम के बगल में एक कोलवा बीच, लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं नहाया, आज संडे था, पब्लिक भी बहुत थी। यहाँ पे क्या है, पब्लिक का मैं थोड़ा साइलेंट बीच है, नहाने में भी मज़ा आ रहा है, इन्जॉय करने में। कोई ना हमें देख रहा है ना हम किसी भी देख रहे, सब अपना फुल मस्ती में है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल पर जो लोग बन रहे सब सब्सक्राइब करो। ओके ओके, बीच पर आए हैं तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, सेकंड टाइम है मेरा बीच में नहाने के लिए। अच्छा अच्छा, आया एकदम फुल मज़ा भाई, क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। अच्छा, आप ये बताइए अभी आप जल्दी गुजरात के कुछ बीचेस पे घूमे तो यहाँ, और अभी आप यहाँ गोवा में हो तो गोवा और गुजरात के बीच में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ा? बहुत अंतर है भाई, वहाँ पे ज़्यादा लोग दिखते नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग हैं और यहाँ पे सब बीच जो है एक दूसरे से अटैच है। अगर चलते चलते अगर आप निकल जाओ तो आप एक साथ समझो कुछ नहीं तो एक बार में 10-12 बीचेस पार कर जाओगे वन बाई वन। आप बीच पर आए हैं तो आपको कैसा फील महसूस हो रहा है नहाने से? एक्चुअली दिस इज नाइस बीच, एंड केदार क्लास और चैंपियन बस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बस रहने दीजिए, बाकी मैं कमाल समझ गए गाइस, ये कहना चाहते कि बहुत मजा आ रहा है बीच पे आके। थोड़ा बीच पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सर्दी पकड़ लिया क्योंकि एक घंटे से नहा रहे थे। एक घंटे से नहाने के बाद थोड़ा बाहर आके रेस्ट किया, कपड़े उपड़े भी सूख गए और फ्रेंड लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, सब लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो लोग कैमरा देखें तो इसके लिए सब आ गए। कुछ कहना चाहोगे थोड़ा बीच के बारे में? कोलवा बीच तो ज़्यादा रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इधर आए। यहाँ के जो टूरिस्ट, यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग घूमने आ रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, इधर आए, साफ सुथरी से नहाए, मस्जिद बहुत मज़ा आएगा इधर आपके लिए। ये भी है, हाँ इधर यहाँ पे होटल भी है, आप रुक सकते हो, थोड़ा बीच के बगल में है, इससे ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा नहीं मिला मेरे को। और ये पर अपना यहाँ पे पलटन है, लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है। करना क्या चाह रहे हो?
जब इतने ही पानी में नहाना था तो घर पे शावर चालू करके नहा लेते, वहाँ बीच में नहाओ। देख के पता चला होगा चेहरे का रौनक खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग 4 बजे आए थे बीच पे, 4 बजे से नहाना स्टार्ट किया और अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को तो लाइक कर ही देना बिल्कुल से, अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कर देना, दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में नए धमाके के साथ, तब तक के लिए मस्त रहो, तबाही मचाते रहो, और क्या ही बोलूँ मैं, सब्सक्राइब कर देना बस। मिलेंगे नए वीडियो में नए धमाके के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। गूगल पर डाल के तो देख मारा नाम, जब देखेगी टशन छोरी हिल जागी, इंडिया में जाके मारी ले ले डिटेल तेरे दिल ने। आइए यहाँ पर एक भाई से जानते हैं अकेले क्यों घूम रहे। भाई अकेले क्यों घूम रहे हो बीच पे, अकेले क्यों घूम रहे हो, और कोई फ्रेंड नहीं है क्या आपका? अकेले क्यों घूम रहे हो? आप कहाँ से आए हो? आप कौन, आपका क्या नाम, हमसे क्या काम है? डू यू नो हिंदी?